हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रूल्स बाय बीसू पर। तो आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में यूआरएल के बारे में। यूआरएल क्या होता है, इसका काम क्या होता है। यूआरएल जब हमारा इंटरनेट होता है, गूगल पर भी जैसे हम सर्च करेंगे, ये अगर हम इस पर कुछ सर्च करेंगे, जो सर्चिंग होता है, सर्चिंग का काम, और हमें पता लगाता है कि वेब पेज कौन सा है, कैसा है, ये सफरिंग का काम करता है। मतलब इंटरनेट पर वेब पेज को ढूंढने का काम कौन करता है, यूआरएल करता है, सफरिंग का काम करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड देन यूआरएल नीड्स, यूआरएल की आवश्यकता क्यों होती है, इफ वी वांट टू एड्रेस पाना चाहते हैं एनी वेबसाइट का ऑन द इंटरनेट, अगर हम इसकी आवश्यकता क्यों होती है, यदि हम एड्रेस पाना चाहते हैं वेबसाइट का ऑन द इंटरनेट पर, तो हम यूआरएल का यूज करते हैं। यूआरएल एड्रेस मींस वेबसाइट रन ऑन द इंटरनेट। वेब पेज है या वेबसाइट है जो इंटरनेट पर काम करती है, उसको एड्रेस का पता लगाने का काम कौन करती है, यूआरएल करती है। यूआरएल का काम होता है डेटा को सफरिंग करना, यानी कि उसको खोजना। अगर हम इसमें कुछ सर्च करेंगे, किसी वेबसाइट का नाम डालेंगे, जैसे एग्जांपल http://www. हम सरकारी रिजल्ट.com, ये अगर हम इसकी बात कर लेते हैं http://www.sarkari.com, तो अगर हम ये सर्च करते हैं यूआरएल में ऐसे, तो उसके बारे में पूरी जानकारी खुल के आ जाती है। तो यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की नीड क्यों पड़ती है, इफ वी वांट टू एड्रेस एनी वेबसाइट, यदि हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस पाना चाहते हैं तो इंटरनेट पर, तो हम यूआरएल का यूज करते हैं। URL address means, इसका मतलब होता है कि the address of web page, जो web page internet पर काम कर रहा है उसके address के बारे में ये बताता है। Example है http://www.sarkari-result.com। अब URL जो होता है वो mainly three parts में divide होता है। URL के three parts होते हैं। First protocol, सेकेंड डोमेन नेम, एंड थर्ड TDC, टॉप डोमेन कोड। कैसे प्रोटोकॉल जो होता है ये वेबसाइट के बारे में बताता है, कौन सी वेबसाइट है, इसका कितना प्रोटोकॉल होता है। डोमेन नेम जो होता है, जो हमारी वेबसाइट का ऑफिशियल नेम होता है, वो डोमेन नेम होता है। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ http://www.sarkari-result.com, मैं ऐसे कहूँ, जो हमारा HTTP है, ये है प्रोटोकॉल। इसका प्रोटोकॉल जो होता है, HTTP का प्रोटोकॉल होता है 80 प्रोटोकॉल होता है इसका। और जो www.result, यहाँ तक जो होता है, मतलब अगर हम इस नाम से, तो sarkari-result.com के नाम से उस पर URL में ढूंढ रहे हैं, तो ये है डोमेन नेम, जो वेबसाइट का नाम है, डोमेन नेम। और ये क्या है, TDS, कॉमर्शियल
कमर्शियल वेबसाइट इसके बारे में बताता है। टीडीसी जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके बारे में बताता है, एजुकेशन की है उसके बारे में बताता है, एजुकेशन की ये टीडीसी का जो होता है ये पता बताता है कौन सी कैटेगरी से आता है। डोमेन नेम ये हो गया, एचटीटीपी ये हो गया। प्रोटोकॉल जो होता है मेनली टू टाइप्स में होता है, एक होता है एचटीटीपी, एक होता है एचटीटीपीएस। ये जो होता है इसकी तुलना में ज्यादा सिक्योर होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सिक्योर होता है, ये एचटीटीपी जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी तुलना में ज्यादा सिक्योर ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं यूआरएल जो होता है टू टाइप्स में होता है, ये तो इसके पार्ट है। अब हम इसकी यूआरएल के टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट जो होता है एब्सोल्यूट होता है यूआरएल, ये जो होता है रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट जो होता है मतलब पूरी तरह से, ये डिपेंड नहीं होता है, इट्स नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड एनीथिंग किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है। इसका जो पाथ होता है वो फुल पाथ होता है, पूरा एड्रेस बताता है ये अपना। लेकिन जो रिलेटिव है, रिलेटिव किसके नाम से पता चलता है, ये संबंधित होता है। जो करंट वर्क कर रहे हैं हम, करंट लोकेशन हमारी खुली हुई है, ये उसी के बारे में बताता है। इसमें फुल पाथ देने की आवश्यकता नहीं होती है, पाथ देने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें फुल पाथ। जो इसमें डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम के बाद का सारा यूआरएल होता है, आफ्टर डोमेन नेम। डोमेन नेम के बाद जो एड्रेस आता है वो रिलेटिव यूआरएल का आता है। और एब्सोल्यूट यूआरएल में इट डज नॉट डिपेंड एनीथिंग, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता, लेकिन ये डिपेंड होता है करंट लोकेशन पर। जो करंट लोकेशन चली हुई है सिर्फ उसी से संबंधित होता है। इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, http/ मैं अपनी, जैसे मेरी कोई वेबसाइट है www.rulesbybishu.com, और मैंने उसको कौन से फोल्डर में रखा है, कौन सी इमेज है उसमें, फोल्डर नेम हो गया, एंड देन उसका एक्सटेंशन क्या है, कुछ भी है जैसे एक्सटेंशन जो जेपीजी हो गया एक्सटेंशन, ये तो इसमें जो है एचटीटीपी क्या है, ये प्रोटोकॉल है, ये हमारा डोमेन नेम, ये इसके फोल्डर में इसके एक्सटेंशन के बारे में बताता है। लेकिन जो ये होता है ये ज्यादा के बारे में नहीं बताता, बस इसमें जो करंट लोकेशन चल रही है एचटीटीपी, जॉन सी वेबसाइट खुली हुई है और उसका एक्सटेंशन, ये केवल इतने बारे में बताता है। तो यूआरएल के बारे में पढ़ा, यूआरएल टू टाइप्स का होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव, ये जो होता है ये डिपेंड नहीं होता है किसी भी एनीथिंग किसी में भी होता है, ये फुल पाथ होता है। जैसे ये पूरा एड्रेस है एचटीटीपी, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा फोल्डर है, कौन से फोल्डर का नाम है, इसका एक्सटेंशन सब होता है। लेकिन ये करंट लोकेशन पर काम करता है, इसका पाथ की जरूरत नहीं होती, फुल पाथ नहीं होता है इसमें, पाथ जो होता है इसमें फुल नहीं होता है। डोमेन नेम के बाद का जो होता है वो ये होता है रिलेटिव यूआरएल। तो आज हमने यूआरएल के बारे में जाना, कैसे यूआरएल, इसके पार्ट कितने होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।